Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in today's video, I will discuss some important type of questions based on number system. As all of you know, number system is very very important because हर बार exam के अंदर number system पे से based question आते हैं. अब आज की इस class के अंदर मैं basically discuss क्या करने वाली हूँ कि किस type के questions exam में आ रहे हैं. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो वो टाइप्स में आपके साथ में डिस्कस करूंगी. नंबर सिस्टम पे 7 से 8 वीडियोस हम बनाएंगे जिसके अंदर सारी की सारी मैं टाइप्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम पे सी सेट के अंदर और वो सारी की सारी टाइप्स हम क्लियर कर लेंगे. ओके, तो अभी एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए 2021 के अंदर 9 क्वेश्चंस वर फ्रॉम नंबर सिस्टम, 20 के अंदर थे 14, 2019 में 5 क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम पे बेस्ड. ओके, 2018 के अंदर 6, 17, 6, 2016, 5, 15, 3. टोटल अगर हम देखें तो 48 क्वेश्चंस सिर्फ नंबर सिस्टम में से. दैट मींस नंबर सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो नंबर सिस्टम में भी बेटा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, तो अब टाइप्स डिस्कस करेंगे. अब देखा होगा आप लोगों ने कि एक बेसिक टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं कि आपके पास में एक नंबर गिवन होता है, ठीक है, और उस नंबर के ऊपर कंडीशनल बेस्ड आपके पास में क्या गिवन होता है कि कंडीशंस हैं और साथ को उस नंबर के अंदर कुछ डिजिट्स मिसिंग होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि भाई एक नंबर है 2P3Q, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि बताओ P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करो. मींस नंबर आपके पास में पूरा कंप्लीट नहीं है, नंबर के कुछ डिजिट्स मिसिंग है, ठीक है. अब वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में कंडीशन के बेस पे आप इन नंबर्स को फाइंड आउट करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 5. ओके, ये हमारे पास कंडीशन हो सकती है. हमारे पास ये भी हो सकता है नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3. ओके, तो 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, ऐसे कंडीशंस गिवन हो सकती है. सेम वे आपके पास में कुछ और भी गिवन हो सकता है, जैसे कि मैं कहूं कि हां जी ओके, और यहां पे आपके पास में कुछ गिवन है कि यहां पे मैं कह रही हूं कि आएगा 3. ओके, यहां पे आएगा 7. डन, तो अब इस बेस पे भी मैं फाइंड आउट करूं कि हां जी यहां पे क्या वैल्यू आएगी. कुछ भी कंडीशन हो सकती है आई मीन टू से. तो अब इन्हीं को ही हमने समझना है कि ये वाली जो टाइप है हर बार एग्जाम में आ रही है, 1 से 2 क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो अभी ये वाले टाइप हमने क्लियर करने कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे. इसके लिए एक बात और, जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी ने आपकी कैलकुलेशन नहीं चेक करनी, उन्होंने आपके मैथमेटिक्स के ये नहीं देखने कि हाँ जी आपके फंडे कितने क्लियर है, उन्होंने ये देखना है कि लॉजिकली स्टूडेंट कितना शार्प है, लॉजिकली आपका माइंड कितना चलता है, ठीक है. सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, बट देखना है कि आप सोचते कहां तक हो, कहां तक आपका माइंड जा रहा है, ये चेक करना है यूपीएससी ने. तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे. देखिए क्वेश्चन है सी सेट 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन आप यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है. सिंपल, हां जी 3P + 4P PP + PP = RQ2. अब क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है. जब आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू है तो उसके बाद फर्दर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स. जो भी आपके पास में बनेगा उसका पॉसिबल सम क्या है. ओके, क्लियर. ये देखिए बताइए इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो, क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है. अब दो तरह से बंदा सोचता है कोई भी कि हां जी एक तो मैं इसको बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर लेके चलूं, ठीक है, मींस कि पहले नंबर फॉर्मेशन हम देखें और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करें. यस यू कैन. दूसरा ये है कि हां जी मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, ठीक है. दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगी, दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगी. इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों करेंगे, फिर हम डायरेक्ट सीखेंगे कि कैसे करना है. जो हमारे बेसिक फंडे एक तरह से हम जो फर्स्ट क्लास से अपने बेसिक फंडे क्लियर करते आए ना, उन्हीं को यूज करेंगे. ओके, तो पहले एक बार नंबर फॉर्मेशन से आपको करवाती हूं. अब जैसे यही है, क्या 30P कोई भी नंबर है. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं एक नंबर है 32, कैसे बना, कैसे बना, दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज टेंथ डिजिट. अब कैसे बना नंबर, हां जी 10th डिजिट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस कि 30+2. ओके, बट इफ I have 3P, that means this is 30+P. This is what? 30+P. तो यहां पे अगर मैं नंबर फॉर्मेशन यूज करती हूं तो नंबर फॉर्मेशन से आप देखो क्या बनेगा, दिस इज 30+P. ओके, 4P, दैट मीन्स की 40+P.
पी पी दैट मीन्स की 10p + p कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 10p + p फाइनली आई हैव 11p ओके प्लस अगेन 10p + p अगेन 11p एंड द नंबर इज r³ 2 मीन्स लास्ट में मेरे पास में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ओके okay? अब इसको अगर मैं नंबर को पूरे को देखूं तो यहां पे मेरे पास में नंबर क्या बन गया, दिस इज 70 प्लस 22 23 24 p = r³ 2। अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, यहां से मुझे पता चल रहा है भाई अगर मैं 70 कोई भी नंबर है अगर मैं इसके अंदर मैं 70 ऐड करूंगी तो फाइनली यहां पे मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। देखो अब ये जो नंबर है इसको साथ में p आ रहा है दैट मीन्स दिस इज मल्टीप्लाई बाय p ओके okay? अब मैं दैट मीन्स कि अगर मैं जीरो के साथ में ऐड करूंगी तो फाइनली यूनिट डिजिट तो सेम रहेगी, मींस मैं यहां पे इसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करूं सो दैट कि मेरे पास में यूनिट डिजिट पे 2 आए, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इफ आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 अगर मैं इसको 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देती हूं तो मेरे पास में नंबर क्या बनेगा, मींस व्हाट कि p की जगह पे मैं क्या रख रही हूं 3 रख रही हूं, तो जब मैं p की जगह पे 3 रखती हूं तो क्या बनता है 72 एंड दिस इज 70 एंड द नंबर इज व्हाट, यस 142 ओके 142 दैट मींस दिस इज 2 दिस इज q एंड दिस इज r डन। अब दूसरा देखो, एक तो ये होगी पॉसिबिलिटी, अब मैं तो कह रही यूनिट डिजिट के ऊपर मेरे पास 2 होना चाहिए, अगर यहां पे इसकी जगह पे जब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तभी मेरे पास आ रहा है ना 2, तो अगर मैं इस 8 की जगह पे क्या रख देती हूं 3 रख देती हूं, इस 142 को मैं एक साइड रख देती हूं कि मेरे पास में एक नंबर क्या बन गया बेटा 142 हो गया ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर मैं कहती हूं इस p की जगह पे हम रख देते 8 अगेन 8 चौके 32 32 दैट मींस कि अगेन आई हैव यूनिट डिजिट 2 ओके तो उस केस के अंदर मेरे पास में नंबर क्या हो गया, दिस इज 32 190 प्लस 70 सो द नंबर विल बी व्हाट 262 अगेन आई हैव यूनिट डिजिट 2 दिस इज q एंड दिस इज r सो द सेकंड नंबर विल बी व्हाट 262 ओके देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज अब यहां पे जब आप नंबर फॉर्मेशन से कर रहे हो तो उस केस में देखो थोड़ा फिर भी आपको लेंथी लग रहा है इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा डिटेल में करेंगे फिर मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगी, इसे नहीं करेंगे ठीक है। अब यहां पे देखो दिस इज नंबर फॉर्मेशन के, हाँ जी अब वहां पे एग्जाम के अंदर आपका सॉल्यूशन किसी ने नहीं चेक करना, बिकॉज एमसीक्यूज है ठीक है, सिर्फ आंसर पे फोकस करना है ओके। तो अब यहां पे ये तो हो गया आपके पास में डिजिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, पी क्यू आर की वैल्यू आपके पास में आगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब फर्दर आपके पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल पॉसिबल सम्स, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन्स क्या हो गया, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल दोनों को ऐड किया वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 404 एंड व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 2 दिस इज 202 मीन्स योर आंसर विल बी 202 ओके ये तो आ गया आंसर। अब मैं आपको कह रही हूं कि हाँ जी बेसिक जो मेथड है आप उससे करो सबसे जो इजी रहेगा, ये तो हो गया बेटा आई होप सभी को क्लियर है। चलो अब हम पहले पी क्यू आर की बेसिक मेथड से हम यूज करते हैं कि हाँ जी कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इस टर्म को मैं एज इट इज रख रही हूं, अब देखो जैसे इसने लिखा है ना वैसे ही आप लिख लो, दिस इज 3p स्कूल टाइम से करते आ रहे हो, दिस इज 3p देन 4p pp एंड देन पी लिख लिया। अब उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, आर क्यू पी आर क्यू एंड 2 ओके। अब सिंपल लगाओ आप, हाँ जी 2 कैसे आएगा, p p p p मीन्स 4 टाइम्स p करोगे, 4 टाइम्स p। अब 4 के मल्टीपल में देखो आप कि हाँ जी जब 4 का मल्टीपल आप देखते हो तो 2 यूनिट पे कब आता है, यस 4 3 12 दैट मीन्स की 3 पे, या फिर 4 8 32 दैट मीन्स आई हैव टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर p एंड इफ आई हैव टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर p देन आई हैव टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर दिस सम, बट इफ p इज इक्वल टू 3 तो वैल्यू क्या आएगी, हाँ जी p की वैल्यू अगर हमारे पास में
3 है, इन दैट केस 3 3 3 दिस इज 12, 3 3 p की जगह पे पुट कर दीजिए आप 3, ओके क्या आ गया 3 3 9 9 9 and 4 9 and 4 13 13 and 1 कैरी 142। ये देखिए यही तो था आपके पास 142, बिल्कुल इजी है। अब दूसरा देखो, अब दूसरा मैंने क्या कहा, हाँ जी यूनिट डिजिट पे 8 रखते हैं। अब जब मैं इसको 8 रख रही हूं तो कितना हो गया 8 8 8 8, 8 4 32 2 आ गया, 3 इज कैरी। अब मैंने क्या रखा यहां पे p की जगह पे 8, ठीक है 8 3 वाज द कैरी, ओके। अब टोटल करो कितना बनेगा 262, कितना बन गया आपके पास में 262, ओके। अगेन आई हैव द सेम पॉसिबल नंबर्स एंड द अर्थमेटिक मीन विल बी डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस कि 202। अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपके पास में, अर्थमेटिक मीन मींस नंबर्स को ऐड करोगे एंड डिवाइडेड बाय द कितने नंबर्स है, हियर वी हैव 2 नंबर्स सो आई विल डिवाइड इट बाय 2, ओके। किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट हो, पहले टाइप्स क्लियर करवा रही हूं मैं, टाइप्स क्लियर करवा रही हूं कि ऐसी टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे हैं सी सेट के अंदर, आप 1000 क्वेश्चन पढ़ लो कोई फायदा नहीं है अगर हम वो टाइप्स नहीं कर रहे जैसा कि एग्जाम में आ रहे हैं, ओके। दैट मींस कि मिसिंग डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके okay? अब दूसरा आते हैं, हाँ जी सेकंड देखो, अगेन 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द मिसिंग डिजिट एंड देन यू विल परफॉर्म सम ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ओके। हियर व्हाट इज द क्वेश्चन, पी इंटू क्यू, पी क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू आर क्यू क्यू। अब अगेन वन मेथड इज अप्लाई द वर्ड नंबर फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन दैट मीन्स की 10p प्लस क्यू इंटू 3 इज इक्वल टू 100r प्लस 10q प्लस q। अगेन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, लेंथी मेथड नहीं चूज करना आप लोगों ने, लेंथी मेथड नहीं चूज करना, सिंपल अपने बेसिक मेथड पे आओ, ठीक है। कैसे सोचेंगे, p q को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही, r q q, r q q आ रहा है, ठीक है ये वैल्यूज आ रही है। अब देखो हमने क्या अप्लाई करना है कि इस नंबर को मैं एक ऐसे नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट डिजिट पे सेम आए, ठीक है। अब देखो 3 की आप टेबल माइंड में रखो, 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, अगर मैं यहां पे 1 रखती हूं तो मेरे पास आएगा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आई एम जस्ट चेकिंग द यूनिट डिजिट, ओके। 3 5 जा 15, ये देखो 5 5, दोनों पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मींस कि जब मैं 3 5 जा कर रही हूं तो उस केस के अंदर मेरी सेम वैल्यू आ रही है, दैट मींस कि यहां पे क्यों की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5 आएगी। नाउ इट इज क्लियर, आई होप सभी को क्लियर है। दैट मींस कि ये क्या आएगा मेरे पास में, क्यों की जगह पे क्या आएगा 5 आएगा, और जब यहां पे 5 आएगा दैट मींस कि यहां पे भी 5 आएगा और यहां पे भी 5 आएगा, ओके क्लियर, हाँ जी बताओ कोई भी डाउट हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम, ये हो गया हमारे पास 3 5 जा 15, 1 इज द कैरी। अब देखो अब मैंने 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, पी से, 1 मेरा कैरी है बट मेरे पास में डिजिट क्या आनी चाहिए 5 आनी चाहिए, दैट मींस व्हाट कि 3 की टेबल में ये देखो कि मेरे पास में यूनिट डिजिट पे 4 कब आएगा, 1 तो कैरी ऐड हो जाएगी, तो कैरी ऐड हो जाएगी, दैट मींस कि 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 एंड 1 इज कैरी, देन आई विल गेट 5 ओवर हियर, ओके। क्या आएगा हमारे पास में, दैट मींस व्हाट कि यहां पे p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 8 आ गई। अब देखो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, क्या आ गया मेरे पास में, ओके। फ्रॉम हेयर आई कैन सी पी की वैल्यू है आपके पास 5, क्यू इज 5, सॉरी पी इज इक्वल टू 8, क्यू इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 2, हां जी बताइए बिल्कुल क्लियर है, पी इज इक्वल टू 8, क्यू इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 2। नाउ
व्हाट इज द ऑपरेशन, पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर, सॉरी पी प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू है बेटा। देखिए पी प्लस आर दैट मीन्स कि इन दोनों को ऐड किया 10 डिवाइडेड बाई क्यू 5 इज इक्वल टू 2, सो द योर आंसर विल बी 2, योर आंसर विल बी 2। हाँ जी बताइए, क्लियर? तो मैं वही कह रही हूं आपको, सिंपल मेथड यूज करो, बिल्कुल सिंपल मेथड। सबसे पहले डिजिट फाइंड आउट करो। अब इसमें भी अगर थोड़ा सा लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। हाँ जी देखो और बताती हूँ। हाँ जी, किसी कुछ स्टूडेंट्स को ना पूरा लिख के करने की आदत होती है, जैसे यहाँ पे पी क्यों इसको 3 के साथ में मल्टीप्लाई किया, ऐसे लिखते हो ना कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी लिखते हो, कोई ट्रिक नहीं यूज करनी, इसकी जगह पे लिखो आर क्यू क्यू। अब देखो अब ज्यादा इजी हो जाएगा, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे भी यहाँ पे दोनों पे सेम जगह पे सेम वैल्यू आए, दिस इज 5 दिस इज 5 दिस इज 5 दैट मीन्स दिस इज 8। डन? अगर समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वीडियो कितना आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर समझ आ रहा है तो शेयर करेंगे जरूर। नंबर सिस्टम पे बेटा हर टाइप में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, जैसे कि आपके एग्जाम के अंदर आती है, हर टाइप डिस्कस करूंगी मैं। अब ये देखिए, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 2020 के अंदर आया था, मीन्स व्हाट, अगेन आपके पास में मिसिंग डिजिट का क्वेश्चन है। मिसिंग डिजिट अभी मैंने बताया, या तो नंबर फॉर्मेशन से कर लो, नंबर फॉर्मेशन से करोगे अगेन कैसे करोगे, अगर हम कहते हैं दिस इज एक्स देन 10 प्लस एक्स ओके 50 प्लस एक्स प्लस 11 एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 100 प्लस 11 एक्स, सोल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। ये तो हो गया नंबर फॉर्मेशन से, ठीक है? दूसरा, नंबर फॉर्मेशन से सेम आंसर आएगा। डन? दूसरा क्या है, सिंपल लिखो भाई, स्टार उसके बाद में क्या है, 1 स्टार देन 5 स्टार देन स्टार स्टार देन स्टार 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 स्टार स्टार ओके। क्या वैल्यू पुट करूं कि जो मैं पुट करूं वही यहां पे आए। अब देखो कितने स्टार है हमारे पास में यहां पे, यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास में कितने स्टार्स आ रहे हैं, 4 स्टार्स है और 1 एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है? तो अब देखो क्या वैल्यू आएगी यहां पे। अब देखिए अगर मैं यहां पे वैल्यू रखती हूं बेटा 2, सिंपल सी बात है, यहां से उठाते हैं 2 रखते हैं, 2 2 4 6 8 8 एंड 1 9, क्या बनेगा 9, बट मुझे तो 9 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सेम जो मैं यहां रखू वही मेरा यहां पे आना चाहिए। चलो अब 3 रखते, 3 3 3 3 कितना हो गया 12 12 प्लस 1 13, दैट मीन्स कि यहां पे भी 3 आ रहा है। अगर मैं वैल्यू क्या रख रही हूं, यहां पे 3 रख रही हूं, दैट मीन्स कि स्टार की वैल्यू क्या आ गई, 3, बिल्कुल सिंपल ओके। अगेन कंफर्मेशन के लिए कर लो 3 3। अब यहां पे कितना हो गया 6 6 और 6 12 12 और एक अपने पास में कैरी आ रहा है, तो यहां पे फिर क्या आएगा अपने पास में 3, अगेन क्या आ रहा है 3 ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा ये बेटा, जो अपने पिछली जो क्लासेस हैं नंबर सिस्टम पे ऑलमोस्ट 6 to 7 में आपकी कंसेप्ट को लेकर क्लासेस करवा चुकी हूँ, तो एग्जाम स्पेसिफिक एक सीरीज है जिसको आपने ज्वाइन करना है, तो आपको जितने भी कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस है नंबर सिस्टम की वो मिल जाएगी, ठीक है? अभी हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो आपके टॉपिक्स के अंदर जो डिटेल्ड हैं वो आपका 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आप एग्जाम स्पेसिफिक एक सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, और वहीं पे ये भी ऐड हो जानी है, जो भी न्यू वीडियोस आ रही है वो भी उसी के अंदर ऐड हो जाएंगे ओके। चलो जी देखो आगे, देखो क्या है यहाँ पे, अगेन 2020 का क्वेश्चन है, सीसेट 2020 का क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी क्या है आपके पास में, डिजिट्स मिसिंग है और वहां पे उसकी जगह पे क्या है, अल्फाबेट्स है, कह रहे कि उसकी वैल्यू से आपको फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, A3BC, लेट A3BC एंड DE2F बी 4 डिजिट नंबर्स वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट ए डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3, सारी की सारी डिफरेंट है, ग्रेटर देन 3 है ओके। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 1592902, अब सम है दैट मींस कि सीधा उसी फॉर्म में लिखो, सिंपल फॉर्म के अंदर 2f ओके,
सम क्या कह रहा है, ये फाइव डिजिट का है, ये क्या? अब सबसे पहले उसने क्या कहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी का डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि ए और डी डिजिट्स हैं क्या बेसिकली, ओके? तो अब यहां पे देखो टू कैसे बनेगा, अगर मैं वन वन करती हूं तो टू बनता क्या? तो मेरे पास में सी और एफ की वैल्यू वन वन होनी चाहिए तब टू बनेगा, बट उसने कहा कि सारी की सारी क्या है, डिफरेंट डिजिट्स हैं, डिफरेंट डिजिट्स हैं, दैट मींस व्हाट? हां जी, वन वन नहीं आ सकता। वैसे भी उसने कहा कि जो नंबर्स है वो क्या होने चाहिए, मोर देन थ्री होना चाहिए, ओके? अब मैं सिक्स सिक्स करती हूं तो भी ट्वेल्व क्या, टू बन जाएगा, बट अगेन आपके पास सेम नंबर नहीं होना चाहिए, तो टू कैसे बनेगा यहां पे? या तो मैं लू यहां पे सेवन एंड फाइव, अगर हम यहां पे ले लेते हैं सेवन एंड फाइव, या फिर हम यहां पे ले लेते हैं, हां जी, टू बनाने के लिए यहां पे आपके पास में सेवन फाइव आ जाएगा या फिर एट फोर आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं नाइन लेती हूं तो थ्री लेना पड़ेगा, थ्री ऑलरेडी है हमारे पास में, यहां पे ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है? हां जी, अगर हम यहां पे सिक्स सिक्स ले नहीं सकते तो यही दो हमारे पास में ऑप्शंस बच रही है, किसके लिए, सी एंड एफ के लिए, ओके? अब यहां से सीधी सी बात है कि यहां पे टू कब आएगा, दैट मींस कि जब हम दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो मेरे पास में कैरी भी तो आएगा, जब मेरे पास में यहां पे एक कैरी भी आ जाएगा, ओके? यहां पे जीरो कैसे बनेगा, टू वन इज कैरी, थ्री, थ्री के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि यहां पे जीरो बने, दैट मींस कि टेन बने, दैट मींस कि सेवन, तो बी की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, सेवन आ गया, हाँ जी। अब आगे देखो, अब यहां पे हमारे पास में अगेन एक कैरी आ गई, अब देखो यहां से जब मेरे पास में नंबर जाता है तो फोर तो यही हो गया, अब ई की वैल्यू यहां पे मैं क्या रखूं, ई की वैल्यू मैं यहां पे क्या रखूं कि मेरे पास में यहां पे नाइन बने, हाँ जी, यहां पे मेरे पास में नाइन बने, तो ई की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, ई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, फोर प्लस फाइव, दैट मींस कि यहां से मेरे पास में ई की वैल्यू आ गई, ओके? दैट मींस कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया ये वाला ऑप्शन, क्योंकि फाइव तो हमारे पास यहां पे आ गया, ओके? दैट मींस कि सी और एफ की वैल्यू क्या हो गई, एट एंड फोर। नाउ अब अगेन अगर हम जाते हैं तो यहां से आगे तो कैरी आया नहीं, अब सम ऑफ नंबर ए प्लस डी इज इक्वल टू 15 क्या बन रहा है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 15 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर व्हाट, सिर्फ क्या डिजिट्स बच रही है आपके पास में, 9 एंड 6, 6 एंड 9 ले लो या फिर 9 एंड 6 ले लो, इट डजंट मैटर, क्या आ गया 6 एंड 9 इज इक्वल टू 15। अब क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ द डिजिट 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, डन? हाँ जी, कोई डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, ओके? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो द नंबर 136 इज एडेड टू 5B7, अगेन द डिजिट इज मिसिंग ओवर हियर एंड द सम ऑब्टेंड इज 7A3, सम क्या कह रहा है, 7A3 है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, इट इज गिवन दैट 7A3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, देन ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर बी इज, बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ना? तो अब यहां पे आप देखेंगे, हाँ जी, देखिए क्या वैल्यूज बनेगी, क्या कह रहा है, नंबर 136 इज एडेड टू 5B7, क्या एड करेंगे, 136, ओके? तो नंबर हमारे पास में क्या बन के आ रहा है, 7A3, बार बार कह रही हूं, फॉर्मेशन पे मत जाओ, डायरेक्ट लिखो। अब देखो 7 और 6 कितना हो गया, 13, 13 है, तो यहां पे आ गया बेटा अपने पास में कैरी, कैरी आ गया, दैट मींस व्हाट, कि ये 4 तो है ही, 4 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि यहां पे देखो 5 6, दैट मींस कि एक कैरी यहां पे भी रिक्वायर्ड है मेरा, एक कैरी मेरे पास में यहां पे भी रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो यहां पे क्या वैल्यू ले, क्या वैल्यू ले, अब साथ में उसने ये भी कहा है कि जो नंबर है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 से कोई भी नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उनका सम 3 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे 7 और 3 10, 10 के अंदर मैं क्या ऐड करूं, 2 की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू 2 हो सकती है, या फिर हाँ जी 5 हो सकती है, या फिर 8 हो सकती है, तभी नंबर 7A3 कब डिविजिबल होगा, या तो नंबर आए 2 आपके पास, या फिर आए 5, या फिर आए 8, ओके? अब देखो अगर मैं यहां पे देखती हूं, 2 रखते हैं हम यहां पे, 3 4 2 6, दैट मींस की कैरी नहीं आएगा, कैंसिल आउट, ओके? अगर मैं रखती हूं यहां पे 5 5 रखते हैं, 3 4 4 प्लस 5 9, अगेन कैरी नहीं आएगा,
दैट मीन्स क्या रखेंगे हम, एट, एट जब मैं रखती हूँ यहाँ पे तो एट रखेंगे तो फोर एंड एट कितना हो गया आपके पास में ट्वेल्व, तो ये वैल्यू क्या हो गई टू और ये वैल्यू हो गई आपके पास में एट, डन। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में डे की, एट विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए, ए एट डिजिट नंबर 4252746, बी लीव्स द रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज फॉर बी ओवर हेयर। अब यहां पे देखो नंबर क्या है, 2 5 2 7 4 6 बी, किससे डिवाइड करें, करेक्ट, जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड द नंबर इज डिविजिबल। हाँ जी, डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको कराया डिटेल के अंदर, तो वो भी आपको वीडियो एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज के अंदर मिल जाएगी डिटेल में, सभी के सभी इसके अंदर जो डिविजिबिलिटी रूल है सभी नंबर्स के वो कराए हुए हैं, ओके, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा 3 से कब डिविजिबल होगा, जब ये इसका जो सम ऑफ द डिजिट्स है दैट विल बी डिविजिबल बाय 3। तो अब यहाँ पे आप देखो कितना हो गया, 6 6 प्लस 5 11 13 20 30, तो ये हो गया, दैट मीन्स 30 प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे क्या हो सकती है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास, 0 हो सकती है, तब भी नंबर डिविजिबल होगा 3 से, 3 हो सकती है 6 एंड 9, टू डिजिट नंबर तो है नहीं, सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है, दैट मीन्स कि क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है अपने पास में, दीज 4 आर द पॉसिबल वैल्यूज, सो आंसर विल बी ऑप्शन 4, मीन्स वी हैव 4 पॉसिबल वैल्यूज फॉर बी, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 18 का क्वेश्चन है, हाँ जी अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या है, मिसिंग डिजिट आपको फाइंड आउट करना है, हेयर इट इज 1 then 2 then 3 and 1, हेयर दिस इज 2 1 एंड, कंफ्यूज मत होना, ये जो है अब यहां पे अपने पास में कुछ भी नहीं है तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, दिस इज 0, ओके, ये जो पॉइंट है दिस इज द मिसिंग डिजिट। अब यहां पे आपने अगेन ध्यान रखना है कि मेरे पास में यहां पे मैं क्या रखूं कि मेरे पास में सेम आए। अब देखो 4 तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, 4 तो मेरे पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स कि यहां पे कौन सा नंबर रखे कि सेम आए। अब दूसरा पॉइंट यहां पे ये भी देखिए कि यहां पे बन रहा बेटा अपने पास में 21 21, दैट मीन्स कि यहां पे तो सिर्फ 3 है, दैट मीन्स कि कैरी के अंदर मुझे ज्यादा वैल्यू चाहिए तभी मेरे पास में वैल्यू, क्योंकि अगर मैं मान लो छोटी वैल्यू यहां पे रखती हूं तो उस केस में तो 21 नहीं बनता। तो अब यहां पे अगर हम बिगर से ट्राई करते हैं, आई विल ट्राई बाई 8, ठीक है, तो 8 अगर मैं रखती हूं तो यहां पे ये क्या आ जाएगा अपने पास में 8 8 8, कितना हो गया 24 24 एंड 4, कितना आ गया 8, दैट मीन्स कि अगर मैं यहां पे 8 पुट करती हूं तो मेरे पास में यहां पे क्या आता है 8 आता है। अब आप कहोगे कि हाँ जी मैडम आपने तो आंसर ही पुट कर दिया, सबसे पहले क्योंकि मैंने सबसे बड़ा नंबर क्यों पुट किया, क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास में 21 आ रहा है, ओके। चलो 6 करके देखते हैं, ये तो हो ही जाएगा सोल्व, यहाँ पे भी हम 8 रखेंगे, अगेन यू कैन सी दिस इज टोटल 218। अगर आप 6 रखते हो तो उस केस में देखो 666 कितना हो गया 18 18 एंड 4 22, दैट मीन्स कि अगर 6 रखेंगे तो यूनिट डिजिट हमारे पास में 6 नहीं आ रही है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 218, सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाँ जी ऐसे करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, नंबर फॉर्मेशन से भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हाँ जी सिंगल डिजिट नंबर है, क्या आएगा आपके पास में, दिस इज एक्स प्लस 10 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स किसको ले रही हूं मैं, ये जो यहाँ पे जो मिसिंग है उसके लिए एक्स यूज कर रही हूं बेटा, ठीक है, एक्स 10x प्लस 3 10x प्लस 1 एंड दिस इज 200 प्लस 10 प्लस एक्स, ओके, यू विल सॉल्व एंड गेट द आंसर। जो आपको बेटर लगता है वो करो, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी इससे मैं ज्यादा इजीली कर सकता हूँ कर सकती हूँ, वो वाला मेथड चूज करो, ओके। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी पेयर्स ए बी आर पॉसिबल इन द नंबर 4 7 9 8 6 5 ए बी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड इट इज गिवन दैट लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज ओड। लास्ट डिजिट क्या आ रही है आपके पास में, ओड आ रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो 4 7 9 8 6 5
4, 7, 9, 8, 6, 5, AB. Now this number is divisible by 9. That means what? कि जो sum of the digits है, that should be divisible by 9. अब sum of digits अगर हम देखते हैं तो कितना हो गया? 7 and 4, 11 and 9, 20, 28. 28 plus 6, कितना हो गया आपके पास में? 34. 34 plus 5, कितना हो गया? 39. That means कि 39 plus A plus B. ओके ये नंबर जो है क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए. अब अगर हम 9 का देखें तो 9 से नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ नंबर 9 का मल्टीपल 39 से अबव तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 45. 9 4 36, 9 5 45. ओके अब नेक्स्ट अगर मैं देखती हूँ कितना आएगा? 54. ओके नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ओके अब अगर मैं देखूं यहां पे तो यहां पे हमारे पास में सिर्फ दो ही केसेस बन रहे, एक ये और एक ये. अगर हम इसको बेटा 63 लेते हैं तो हमारे पास में 63 लेते हो तो इसको अगर मैं माइनस करती हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? दिस विल बी 24. दैट मींस कि टू डिजिट नंबर बन जाएगा. ए या बी में से कोई भी एक टू डिजिट नंबर बन जाएगा. दैट मींस कि ये तो केस हमारा हो गया कैंसिल आउट. ओके तो अब अगर मान लीजिए मेरे पास में सम बन रहा है 45, दैट मींस कि यहां पे इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? या तो 6 होनी चाहिए या फिर हमारे पास में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए. या तो 6 आएगा या तो 15 आएगा. ओके अब देखिए इस क्वेश्चन हमारे पास क्या है. देखो हाउ मैनी पेयर्स, कितने पेयर्स बन रहे हैं ए और बी को लेके. तो अब हम पेयर बनाते हैं, ए बी का पेयर बना रहा है. ठीक है अब यहाँ पे सम क्या ले लेते हैं हम? 6 अगर मैं सम लेती हूँ तो उसने साथ में ये भी कहा कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए? और होनी चाहिए, और होनी चाहिए. दैट मींस कि अगर मैं इसको लेती हूँ बेटा 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? 5. ओके अगर हम इसको लेते हैं 3 तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में? 3. तभी 6 बनेगा. अगर मैं इसको लेती हूँ 5 तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास में? 1. ओके क्लियर. अब दूसरा है मेरे पास में कि सम क्या होना चाहिए हमारे पास में? 15. अब 15 से देखते हैं 15 कैसे बनेगा. 15 का अगर मैं पेयर देखूं तो 8 7 15. ओके हाँ जी तो क्या बन गया मेरे पास में? 8 and 7, 15 हो गया. अब अगर मान लो हम देखें 9 and 6, एक तो हो गया मेरे पास में 9 and 6, बट उसने क्या कहा है कि ये डिजिट क्या होने चाहिए हमारे पास में? और होने चाहिए. दैट मींस कि हम क्या कह सकते हैं? 6 and 9. ओके तो यही हमारे पास में पेयर बनेंगे. और देखो और तो कोई पेयर नहीं बन रहा, तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? 1 2 3 4 and 5. ओके तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. डन, कोई इसके अंदर डाउट? नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है कंसीडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 999 इनटू एबीसी इज इक्वल टू डीईएफ 132. अगेन आप यहां पे देख रहे हो कि डिजिट्स मिसिंग है. क्या कह रहा है? 999 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एबीसी के साथ. तो ये डिजिट्स बन रही है. अब बताओ कि ABCDEF की वैल्यू क्या होगी? अगेन मैं कह रही हूं अपने बेसिक मेथड पे चलो, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. जब भी किसी नंबर को मैं 999 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो सिंपल देखते हैं. देखो मैं अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैंने 99 के साथ में 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 100 minus 1 into 12. क्या बन गया? 1200 minus 12. मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए. तो यहाँ पे क्या पता चला मुझे कि भाई यहाँ पे जितने डिजिट्स की वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी ही जीरो आपके पास में एंड में लग रही है. ठीक है, और उसी को उसके अंदर से हम माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया? 999 से मल्टीप्लाई करेंगे वो वाली वैल्यू आ गई. तो अब यहाँ पे देखो एबीसी है, एबीसी को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? 999 से. दैट मींस कि हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1000 minus 1 into ABC, यही बनेगा. अब देखो अब इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी? ए बी सी देन 0 0 0. डन, अब क्या माइनस करना है? उसमें से एबीसी को ही माइनस करोगे, ए बी सी. अब इसने क्या कहा कि आंसर क्या बन रहा है? डी ई एफ
वन थ्री टू, ये बन रहा है, ठीक है। अब अगेन थोड़ा सा हमने ब्रेन अप्लाई करना है अपना, क्या कह रहा है कि भाई 10 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास में 2 आ जाए, 10 से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास में 2 आ जाए, क्या माइनस करेंगे, ऑब्वियसली 8 माइनस करेंगे तो क्या आ गया मेरे पास में 2, यहां से हमने कैरी लिया, 9 से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास में 3 आ जाए, 9 से मैं क्या माइनस करूं कि 3 आ जाए, ऑब्वियसली 6 माइनस करेंगे तभी 3 आएगा, ठीक है। अगेन ये क्या रह गया मेरे पास में 9 से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास में 1 आ जाए, 8 माइनस करेंगे तभी आएगा 1, ठीक है। यहां से अगेन हमने कैरी ले लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो मेरे पास में वैल्यू आ गई एबीसी की, एबीसी की वैल्यू आ गई, नाउ आई विल यूज दिस वैल्यू, दिस इज 8, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। अब यहां से मैंने कैरी लिया तो यहां पे क्या बच गया आपके पास 7, दैट मींस दिस इज 7, ओके, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। आई होप बिल्कुल इजीली आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहां पे अपने पास में वैल्यूज क्या बन रही है ए बी सी डी ई एफ की, ए बी देखो, ए इज इक्वल टू 8, B is equal to 6, C is equal to 8. Now D E F, D is equal to 8, E is equal to 6 and F is equal to 7. So your answer will be 8 6 8 8 6 7. Clear? Next देखिए. Next है, if the sum of the digits of a number 10 raised to power n minus 1 where n is a natural number is equal to 3798, then what is the value of n? हाँ जी, सी सेट के अंदर इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये देखो, अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे ट्रिक वगैरह नहीं यूज करनी, थोड़ा सा माइंड अप्लाई कर रहा है, क्या माइंड अप्लाई करना है, क्या कहा उसने, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर 10 रेज टू पावर n माइनस 1, 10 raise to power n minus 1 का मीनिंग क्या है कि मेरे पास में जितने यहाँ पे जितना n लिखा हो ना इतने ही 9 है, इतने ही 9 है। देखो कैसे, अगर मैं कहती हूँ, पहले तो समझ लो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। देखो अगर मैं कहती हूँ कि n की वैल्यू बेटा 2 है, n की वैल्यू 2 है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मेरे पास में वैल्यू क्या होगी, 10 raise to power 2 minus 1, दैट मींस कि 100 minus 1 99। मैंने क्या कहा, जितना n है उतने ही 99 आ जाएंगे आपके पास में नंबर ऑफ 9s। अगर मेरे पास 10 की वैल्यू 3 है, देन कितना आ गया 999, ठीक है, ओके। अब उसने कहा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं देखती हूँ तो इसके अंदर सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया, दोनों को प्लस किया 18, इसके अंदर भी सभी को प्लस प्लस करते हैं तो कितना आ गया आपके पास में 27। अब बताओ n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू अगर मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया मेरे पास 2, n की वैल्यू क्या है 2, अगर इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ गया 3, n की वैल्यू क्या है 3। दैट मींस कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो कुछ नहीं करना, सिंपल उसको 9 से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो यहां पे क्या है हमारे पास, वेयर n इज द नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 3798, दैट मींस कि जो सम है आपके पास दैट इज 3798, ओके। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, सीधा 9 से डिवाइड करो, कुछ नहीं करना आपको, कितना आ गया 9 4 36, ठीक है, 9 2 18 422, यस इतना ही आएगा, हाँ जी क्लियर, इतना ही है, कितना आ गया 422 विल बी द करेक्ट आंसर, कोई डाउट, क्लियर है। अगर सेशन समझ आ रहा है, कुछ भी है, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, नंबर सिस्टम के अंदर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से माइक्रो कोर्स ले सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जब आप कोर्स पे जाते हो वहां पे फोन नंबर अवेलेबल है, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी डाउट आता है पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, यू हैव सो मैनी चॉइसेस,
ओके तो अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, जल्दी से करते हैं। क्या है, ए फाइव डिजिट नंबर एक्स वाई टू थ्री फाइव इज डिविजिबल बाई थ्री। क्या अगर एक नंबर डिविजिबल है थ्री, वेयर एक्स एंड वाई आर डिजिट सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू फाइव, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पॉसिबल पेयर फाइंड आउट करना है, मिसिंग है नंबर, क्या है एक्स वाई टू थ्री फाइव, ओके डिविजिबल बाय थ्री, द नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री, ओनली द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय थ्री। नाउ सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं, दिस इज एट प्लस टू टेन, टेन दैट मीन्स कि एक्स प्लस वाई प्लस टेन एंड दिस शुड बी डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय व्हाट, थ्री, थ्री से डिविजिबिलिटी, टेन से अबव नंबर देखो थ्री का मल्टीपल, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, बट यहाँ पे उसने क्या कहा कि x प्लस वाई की वैल्यू या तो 5 से लेस होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले केस के अंदर मेरे पास में x प्लस वाई की वैल्यू या तो क्या बनेगी हमारे पास 2 या फिर हमारे पास क्या बनेगी बेटा 5। ओके नाउ चेक फॉर द पेयर्स, अब पेयर बनाते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू क्या चाहिए मुझे 2, 2 कैसे बनेगा, 2 कैसे बनेगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 0 प्लस 2 कर दूं, हाँ जी बताओ 0 प्लस 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप इसको 0 प्लस 2 लेते हो देन 5 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, दिस विल बिकम 4 डिजिट नंबर। ओके तो यहां पे हमने इसको 0 2 को नहीं कंसीडर करना, 2 0 को कंसीडर करेंगे। नाउ चेक फॉर 3, 3 3 कैसे बनेगा, 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 कितना बन गया 5, ओके 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 2, ओके कितना बन गया 5, अगेन यू कैन चेक 4, 4 प्लस 1 3 हो गया आपके पास में 2 हो गया। अब देखो और कोई वैल्यू बन रही है आपके पास 5 प्लस 0 भी तो बन जाएगा ना 5 प्लस 0, ओके कितना आ गया, दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट अ मिनट, हाँ जी नाउ आई थिंक विजिबल है, यस एक हो गया आपके पास में, हमें टोटल क्या चाहिए प्लस चाहिए 5, 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 0 5, बट 0 प्लस 5 नहीं ले सकते बिकॉज अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते देन अगेन 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आप चेक करो कितने बन रहे हैं आपके पास में 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 7 विल बी द करेक्ट आंसर, डन, हाँ जी बताओ कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, क्लियर है। सो आई होप ये वाली टाइप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अगर कुछ समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। नंबर सिस्टम से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई, मैम नंबर सिस्टम पे कुछ वीडियोस बनाइए आप, तो उसी की रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं 6 to 7 वीडियोस आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम पे लेके आऊंगी और सभी के अंदर वो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे जो सी सेट के अंदर आती है। अभी आज हमने कौन सी करी है, टाइप 1 हमने डिस्कस करी है जिसके क्वेश्चंस आपके सी सेट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे जैसे क्वेश्चन सी सेट के अंदर आते हैं। मेन जो फोकस है वो आपके पेपर को लेके, क्या पता इस बार भी 10 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मान लो आपके 10 क्वेश्चंस किसके ऊपर से आ गए, नंबर सिस्टम के आ गए, तो अब आप खुद सोच के देख लो कितने नंबर बन गए, 25 बन गए। ओके तो नंबर सिस्टम का एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना है, नंबर सिस्टम में कुछ नहीं है, जस्ट नंबर्स पे वर्क है, दैट इज नंबर सिस्टम। ओके सो डिस्क्रिप्शन एक बार सभी ने चेक करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, रीड मोर पे जाओगे काफी सारे लिंक्स गिवन है, ठीक है एक एक लिंक को एक्सप्लोर करना है आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नंबर सिस्टम का माइक्रो कोर्स भी गिवन है, आप सिर्फ नंबर सिस्टम को भी चेक कर सकते हो। ओके क्लियर, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।